दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल डिस्प्ले ऐड को कैसे बंद करें। किसी भी मोबाइल में मोबाइल डिस्प्ले ऐड को बंद कर पाओगे आप लोग। आपको सबसे पहले एक काम कर लेना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों मोबाइल पे आपको शो हो रहा होगा मोबाइल डिस्प्ले ऐड को बंद करने के लिए क्या करना होगा, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। कोई भी फोन है आपके पास अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाइए। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जिससे आपके मोबाइल का ऐड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने मोबाइल के सेटिंग को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल का, गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग ऊपर में सर्च कर सकते हो, गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा सभी मोबाइल में। गूगल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका ऐड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा एड्स का, एड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे रिसेट एडवर्टाइजिंग आईडी पे क्लिक करके इसको रिसेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, गेट न्यू एडवर्टाइजिंग आईडी इस पर क्लिक करके नया एडवर्टाइजिंग आईडी ले लेना है कन्फर्म पे क्लिक करके। अगर ये ऑप्शन आप में शो हो रहा है तो इसको इनेबल कर दीजिए फटाक से। दोस्तों इनेबल करने के बाद आपको अब मेन सेटिंग आप करना है। दोस्तों आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट का, ऐप मैनेजमेंट का या आप में ऐप लिस्ट के नाम से कुछ भी ऑप्शन होगा तो मैं ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐप लिस्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी ऐप आपको ऐड दिखाता है उस ऐप को क्या करना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ऐप शो हो रहा है दोस्तों, जो भी फालतू ऐप दिखे जैसे कि बिना नाम वाला बिना लोगो वाला उसको डिलीट मार दीजिए। और दोस्तों ये काम और करना है, जैसे कि मुझे ये ऐप सबसे ज़्यादा ऐड देता है, जैसे कि आपको भी देता होगा, जिस ऐप से रिलेटेड ऐड आता है उस ऐप पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ कहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पिक्सल लैब ऐप मेरे में है, पिक्सल लैब पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐड देता है, बहुत परेशान करता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। जो भी ऐप ऐड देता है उसको फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा दोस्तों, एडिशनल सेटिंग के नाम से एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों गेट रिकमेंडेशन का, नीचे में दिखाई दे रहा होगा बैकअप एंड रिसेट के ऊपर गेट रिकमेंडेशन पे क्लिक करना है। अगर ये ऑन होगा आप में तो इसको बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। जितना सेटिंग बता रहा हूँ उतना ही कीजिएगा तो आपका ऐड बंद हो जाएगा। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री लाइन दिख रहा है दोस्तों, थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पे सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सॉरी, यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करोगे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है। दोस्तों आप मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, तो सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सेटिंग्स के ऑप्शन में आया। आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, साइट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑल साइट पे क्लिक करना है। ऑल साइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको क्लियर एंड रिसेट करना है, क्लियर एंड रिसेट करना है इस टाइप से। क्लियर एंड रिसेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कुकीज, ये अलो है तो इसको क्या करना है, चार नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा एड्स का, एड्स अलो है आप में तो दोस्तों इसको बंद कर देना सिंपल सा। उसके बाद आपको मोबाइल का ऐड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं आएगा। थोड़ा मोड़ा तो आता है सभी मोबाइल में, तो थोड़ा मोड़ा आए करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इतना ही था इम्पोर्टेंट जानकारी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।